मुझे भी सिखाओ। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज मत बोलो, मैं सिखाऊंगा। तुम मेरे एकदम भाई जैसे हो यार, बिल्कुल एकदम भाई जैसे। सब्सक्राइब कर देना। नहीं, सीखना है ना? हाँ। कर दो फिर। नहीं। कर रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। तो तुम लोग को इतना तो पता है, ऐसे जॉयस्टिक वाले वन शॉट मारना, हेड शॉट मारना बहुत ज्यादा इजी है, और तुम में से बहुत सारे बंदे लोग मारते भी है। सच में मारते हो भाई? गलती से भी कस्टम में मत दिख जाना ऐसे वन शॉट मारते हुए। क्या मतलब कि मैं ऐसे बंदे से मर जाता हूँ? जस्ट किडिंग गाइस, ये वन शॉट सब मारते होंगे, इवन मैं भी मारता हूँ बहुत बार, बट ऐसा वन शॉट मारना देखने में बहुत अच्छा लगता और मारना बहुत 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 बस इजी है। वेल एक्चुअली इतना ज्यादा भी इजी नहीं है, बट मैं आज के वीडियो में तुम्हें हैंड कैम के साथ अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि तुम बैगों में देख सकते हो, मैं जंप वाले वन शॉट मार रहा हूं, एंड ये मोबाइल का गेम प्ले। एंड टेंशन मत लो, मैं वो बंदे में से नहीं हूँ जो पीसी में खेल के मोबाइल का गेम प्ले बोलता है। ये तो धोती खोल रहा है। और ये जो मोबाइल का कस्टमर चिड़ी है, ये सच में मोबाइल का ही कस्टमर चिड़ी है। ऐसा नहीं कि मैंने पीसी में मोबाइल के जैसा कस्टमर चिड़ी रखा है। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। तो वीडियो शुरू करते। एक सेकंड, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ तुम लोग से। मैंने क्या बोला था शुरू में? सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं हैंड कैम में, ठीक है? नहीं। क्या बोला? तो गाइस सबसे पहली चीज ये हमेशा ध्यान में रखना, जंप वन टैप भी होता है और जंप मूवमेंट भी होता है। मींस इसको बोलते हैं जंप वन टैप और इसको बोलते हैं जंप मूवमेंट। तो ये जंप मूवमेंट के बारे में मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये तुम्हें सच में इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। मींस ये दोनों ही सिखाने वाला हूँ। तो बिना कोई के सबसे पहले जंप वन टैप की बात करते हो, तो आप ये एनिमीज को देख रहे हो? हाँ भाई, हाँ, सब देख रहे। यूट्यूब पे आने का मौका मिल रहा है। अभी मैं इसको जंप वन टैप मारने वाला हूँ। नहीं, यूट्यूब पे आ रहा था, बट ऐसे नहीं यार। तो देखो, तुम्हें अगर जंप वन टैप मारना है इस एनिमीज को। नहीं, प्लीज। भाई चुप बैठ, ज्यादा मत बोल। मैंने तुझे ये करने के लिए पैसे नहीं दिए, फालतू के नाटक कर रहा है। तो देखो, ये जो एनिमी, इसको मैं जंप वन टैप मारने वाला हूँ। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आपका जंप वन टैप है, जब आप जंप करते हो, जब हवे में रहते हो, उतने से ही टाइम में आप सब कुछ करोगे। मींस वन टैप भी मारोगे, गन स्विच भी करोगे, एम सेट भी करोगे, ड्रैग भी करोगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड लगता है, बट एक्चुअली है नहीं। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, बहुत बार शुरू में आपके ऐसे बॉडी लगेंगे, तो इसको अवॉइड करने के लिए, मींस ये बॉडी को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, जोर से ड्रैग करो। और जहां पे आप जोर से ड्रैग करते हो, वही आपकी दूसरी गलती है। इधर आपको जोर से ड्रैग करना ही नहीं है, क्योंकि आप जब भी जंप करते हो, तो हर क्लिप में आप देखोगे, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, मेरा जो एम है एनिमीज के बॉडी या हेड के बहुत ज्यादा पास, और इधर मैं जोर से ड्रैग करूंगा, तो दो ही प्रॉब्लम होगा, बॉडी पे स्टक हो जाएगा या फिर हेड नहीं लग के मिस हो जाएगा। इधर फिर दूसरा प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है, वो है मिस। इसलिए आपको जोर से ड्रैग नहीं करना ऐसे सिचुएशन में, हमेशा आपको लाइट ड्रैग करना। और उसके साथ एक और चीज करना है, वो है एम के हिसाब से ड्रैग। जैसे कि बैकग्राउंड में देख सकते हो, मेरा एम इधर है, तो मैं उसी हिसाब से ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरा एम इस साइड है, तो मैंने इस साइड ड्रैग किया और मेरा हेडशॉट लग गया। ये जो मैंने अभी ड्रैग किया, ये रोटेशन ड्रैग जैसे दिख रहा है, बट एक्चुअली रोटेशन ड्रैग नहीं है, मैंने एम के हिसाब से ड्रैग किया। रोटेशन ड्रैग किसको बोलते हैं, जो हर एक गोली पे रोटेट करके ड्रैग करना होता है, और एम के हिसाब से ड्रैग करना मतलब एम जिस साइड है उस साइड ड्रैग करना। जैसे एम लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड ड्रैग करना, राइट साइड एम है तो लेफ्ट साइड ड्रैग करना, इसको बोलते हैं एम के हिसाब से ड्रैग करना। रोटेशन ड्रैग थोड़ा सा अलग हो गया, हर गोली पे रोटेट करके ड्रैग करो, राइट साइड लेफ्ट साइड, वो चीज इधर ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा। एम के हिसाब से ड्रैग करो, लाइट ड्रैग करो, आपके ऐसे हेडशॉट लग जाएंगे। बट हेडशॉट तो लग गए, उसके बाद क्या होगा पता है, आपके साथ ऐसा मूवमेंट प्रॉब्लम होगा, मींस मूवमेंट स्टक हो जाएगा। जैसे ही वन शॉट लगा, वैसे ही फटाक से गन स्विच कर लो, जैसे कि मैंने किया। और ये गन स्विच बटन से भी कर सकते हो, नॉर्मल गन जनरेटर से, जो भी आप यूज करते हो उसके साथ कर लेना है। तो ये सब चीज को हैंड कैम के साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि देख सकते हो, मैंने जंप किया, ड्रैग किया, ज्यादा जोर से ड्रैग नहीं किया, हल्का से ड्रैग किया, और फिर फटाक से गन स्विच कर लिया, एम के हिसाब से ड्रैग किया था वैसे मैंने, और देख सकते हो मेरा एकदम इजिली स्मूथली प्यारा सा हेडशॉट लग गया। तो बस आपको ऐसा ही करना है हैंड कैम, आपको हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मैंने हर एक चीज को कैसे किया, आप देख ही रहे हो सब कुछ बैकग्राउंड में। तो ये हो गया जंप वन टैप, मैंने बोला था मूवमेंट भी सिखाऊंगा। हाँ। तो खुश हो जाओ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मूवमेंट में मैं दो मूवमेंट सिखाऊंगा, एक ये अपला पातो वाला, अपला पातो, मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट तुम समझ गए ना, ये जो मूवमेंट देख रहे हो ना अपला पातो का, ऐसा मूवमेंट तुम कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको जंप नहीं करना, दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो सेंसिटिविटी हाई रखो, और क्या करना है, भागते रहते हो तो जैसे आप सीट वाले बटन पे क्लिक करते हो, उसके जस्ट बाद आपको क्विक ओवर स्विच बटन पे क्लिक करना है, फिर स्प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आपके साथ ये मूवमेंट हो जाएगा। और जब आप ये मूवमेंट करते रहते हो, तभी आपको स्किन स्वैप करना है, तो देखना आपका भी मूवमेंट कुछ ऐसे ही अपला पातो जैसे लगेगा। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की।
तो ये मोमेंट को हैंडकैम में दिखाओ तो देख सकते हो कैसा दिख रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सीटअप किया, फिर गन स्विच किया और फिर स्प्रिंट किया। बहुत ज्यादा इजी है ये अपला पातो जैसा मूवमेंट। बट आप ऐसे जंप वाले मूवमेंट करना चाहते हो, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप ऐसा मूवमेंट करना चाहते हो तो वो भी सिखाऊंगा, तो बहुत ज्यादा इजी है। ये भी ऐसा ही है, बस आपको क्विक ओवर स्विच बटन के बाद स्प्रिंट बटन के बाद जंप पे क्लिक करना। जैसे कि देख सकते हो मेरा कैरेक्टर सीटअप पे आ चुका है, फिर मैंने गन स्विच किया, फिर स्प्रिंट किया, फिर मैंने जंप किया, तो देख सकते हो कितना प्यारा मूवमेंट आ रहा है। और ये मूवमेंट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इजी है जो अपला पातो करता है। आई होप मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आप लोग को समझ गया ना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना याद से, ठीक है। एंड यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड पीस।